हाय एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डबल लेयर वाला गाजर का बर्फी बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना आसान है। गाजर खोया बर्फी, आप देख सकते हैं हमने बर्फी किस तरह से बना के तैयार किया है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर गाजर का बर्फी बनाने के लिए हमने कद्दूकस किया हुआ गाजर लिया है, ये हाफ के जी है। तो हम आइए गाजर का बर्फी बनाना शुरू करते हैं। हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच और फिर हम घी में गाजर को थोड़ी देर फ्राई करेंगे, यानी कि भून लेंगे। हमने गाजर को थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 लीटर दूध, 2 डाल के हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे ताकि गाजर हमारा अच्छा से सॉफ्ट हो जाए। और हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में ही इसे पकने देंगे थोड़ी देर। गाजर को मैंने थोड़ी देर पका लिया है, अब ये अच्छा से सॉफ्ट हो चुका है और ये गल भी चुका है। तो हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ी चम्मच दूध पाउडर, 1 कटोरी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से लें, मीठा जितना पसंद हो उस हिसाब से चीनी डालना है। आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। फिर हम सभी चीजों को अच्छा से मिला लेंगे और हम इसे ड्राई होने तक पकाएंगे फिर से, ताकि ये अच्छा से ड्राई हो जाए और बर्फी बनने में आसानी हो। गाजर को मैंने ड्राई होने तक पका लिया है, अब ये अच्छा से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम गैस से नीचे उतारेंगे। मैंने यहाँ पर ट्रे लिया है, ट्रे में हम ये गाजर को डाल देंगे। ट्रे में हमने थोड़ा सा घी लगा लिया था ताकि बर्फी को निकालने में आसानी हो और फिर हम ट्रे में इसे अच्छा से फैलाएंगे। मैंने गाजर को ट्रे में अच्छा से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे खोया का। तो अब हम खोया तैयार कर लेते हैं। खोया बनाने के लिए हम पैन में डालेंगे 300 ml दूध, 1 कटोरी दूध पाउडर। हम दूध पाउडर को धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि ये गांठ न बन जाए। दूध पाउडर को इस तरह से चलाते हुए अच्छा से मिला लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच चीनी। चीनी अपने हिसाब से डालना है, जितना मीठा रखना हो उस हिसाब से। और फिर हम इसे इस तरह से चलाते हुए ही पकाएंगे, हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। हमने इसे 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच घी और घी डाल के हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। हमने फिर से इसे 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब ये खोया हमारा बनके तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे
और इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे। खोया को मैंने गैस से नीचे उतार लिया है। अब हम इसे डालेंगे गाजर के बर्फी के ऊपर। और फिर हम इसे भी अच्छा से फैला देंगे बर्फी के ऊपर। खोया को मैंने अच्छा से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये बारीक कटा हुआ बादाम। सारा बादाम को हमने बर्फी में डाल दिया है। अब हम इसे इसी तरह से आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए, ताकि ये निकलने में आसानी हो। मैंने इसे आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था। अब आधा घंटा हमारा हो चुका है, ये अच्छा से थोड़ा सेट हो चुका है, जम चुका है। तो अब हम इसे बर्फी के शेप में काटेंगे। मैंने बर्फी को स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब हम इसे निकाल के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बर्फी हमारा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। अब ये हमारा बर्फी खाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी ये बर्फी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।